एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, आप लोग भी मस्त होंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे। वेलकम है आप सभी को हमारे ब्लॉग में। और आज मेरा फास्ट है सोमवार का, तो बस पूजा पाठ करने बैठ गए हैं गाइस। थोड़ा बहुत पूजा हो गया है, बाकी रामायण पढ़ना बाकी, वो करेंगे। उसके बाद में छत पे चलेंगे, पूजा करेंगे। तो गाइस रामायण पढ़ लेते हैं, गाइस दर्शन कर लीजिए और सब लोग बोल दीजिए जय माता दी। मैंने जोत भी लगा दी है, सारी तैयारी भी हो गई है, और मेरी मैया रानी सभी भगवान देवी तेज विराजमान है। हम जा रहे हैं पढ़ने रामायण। फिर चलेंगे छत पे पूजा है गाइस, वो करेंगे। तो दिखाएंगे, आज मेरा व्रत है सोमवार का, 16 सोमवार है जी, और मेरा 11 सोमवार, आज शायद 11वां सोमवार है। हाँ, आज 11वां है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समान, मांगे मांगे आयस करते, राज काज बहु भात, सियापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तीन पुआ बनेंगे, एक बन गया है गाइस, एक ये है, एक ये, एक चढ़ेगा शंकर भगवान पे और एक जाएगा गाय, गाय खाएंगी गाय माता, और एक हम शाकर करेंगे। घी में बन रहा है, देसी घी में, बढ़िया। तो ये रेडी हो गए, टूट गया थोड़ा सा, नीचे वाली अच्छी भी गर्म है इसलिए टूट रही है। और तीसरी पुआ मेरी बन रही है, तीन ही पुआ बनाते हैं, कोई खाएगा नहीं बाद में इसे। और बाकी सारी तैयारी मेरी हो गई है, पूजा पाठ की, बस छत पे जाना है, शंकर भगवान को नहलाना है, पूजा करना है। मंदिर नहीं जाते हम, शुरू से नहीं गए, इसे घर पे ही करते हैं घर पे ही, तो घर पे ही कर लेते हैं। जय भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। पे करेंगे गाइस पूजा, सारी तैयारी तो मैंने कर ली है, इस पूजा पूजा बचा है। पूजा की तैयारी, केला, सफेद चंदन, और ये है गंगा जल, शहद, पीला चंदन, कच्चा दूध, अक्षत फूल, और तीन दिया हैं चढ़ाएंगे। बाकी दही है, और ये गाइस पुआ है, बस पूजा करना है। बस इधर हमारे समी भगवान जी, thank you.
साल भ्रमण करते हुए उद्योगों को अमरावती नगरी में आए। वहाँ राजा ने सुंदर सी कुंडली बनवाया। शंकर जी वही रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाग आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूजा पुजारी पार्वती जी से पूछा, पुजारी जी बताइए जी किसकी होगी? वह बोले, स्वामी पंचानन राजे हनुमान गरुड़ासन दृष्टवान स्वामी दश भुजि नौ रूप निरखता ओम जय शिव ओंकारा अशमाला वनमाला फूलमाला धारी। दीजिए आप खा लीजिए। शैलवी यहाँ पे सो रही है। शैलवी शैलवी निन्ना कर रही है। निन्ना हमारी राजकुमारी निन्ना कर रही है। तो यहीं पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे गाइस, तो यहीं पे उसको सुला ली हमको। वहाँ जाएगी कभी रो दे या डर जाए कमरे में, तो इसलिए अभी हमारी जोत जल रही है। अब तो जलेगी, अब तो शाम हो गया। और ये मैं खाने जा रही हूँ केला, इसमें सेब मलाई, तो ये खाने जा रहे हैं। इसके बाद में चाय पियेंगे और मूंगफली खाएंगे। बाकी मेरा पूजा सारा कंप्लीट हो गया है। मैंने अच्छे से बढ़िया से पूजा पाठ किया मन लगा के। और पूजा करते टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं बोली थी गाइस, क्योंकि क्या मैं बोलूं, सोच रही थी मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी, बट आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। और पूजा करते टाइम बोलना भी नहीं चाहिए वैसे, तो मैं भी नहीं बोली। लीजिए गाइस आप खा लीजिए। हाँ जी, तो मेरा वीडियो भी चल रहा था और मुझे पता नहीं था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा वीडियो चल रहा है। और मैंने अभी अपने लिए कुछ बनाया है, आलू भुने। बाकी जो तीन बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तीन बनते हैं हुआ, जो कि एक गाय को दिया जाता है गौ माता को, और एक शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, और एक में सबको घर में मतलब सारे मेंबर को प्रसाद देते हैं, जो बचता है वो हम खाते हैं। तो वो सब मैंने खाया, चाय पिया। उसके बाद में मैंने सोचा पहले वीडियो एंड कर देते हैं, और बहुत थका थका भी मन लग रहा है, क्योंकि जब फास्ट हो पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं, नीरा जली रहते हैं। शाम को पूजा मतलब पूजा तो यहाँ घर पर नीचे मंदिर में करते हैं, और शंकर भगवान छपते हैं, तो पूजा वहाँ शाम को 4 बजने के बाद करते हैं। तो फिर वो सब मैंने किया। उसके बाद में मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत रहता है ऐसा, तो वही सब बातें हैं। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।